सिंह ने ओम माथुर से बात की है। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश माथुर की, तो सुनिए क्या कुछ कहा है इस चुनाव को लेकर के ओम प्रकाश माथुर ने। जनता जन टीवी के संवाददाता प्रहलाद सिंह ने उनसे बात की है, सुनिए ओम प्रकाश माथुर को। लोकसभा चुनाव को लेकर आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर अपने पैतृक गांव बेडल में वोट करने के लिए आए, इनसे जानेंगे। सर आपने निश्चित रूप से लोकतंत्र का महापर्व है और हम सब मतदाताओं का धर्म बनता है इस लोकतंत्र के महापर्व में हमारा मत का उपयोग करें लोकतंत्र के लिए सबसे प्रमुख स्थायी बनाने के लिए। और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सफल लोकतंत्र है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मतदाताओं से अपील करूंगा, मतदान आवश्यक है और मतदान हम सबको मिलकर करना चाहिए, इसलिए मैंने भी आज मेरे मत का उपयोग किया। आप छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र जैसे इस बार राजस्थान में क्या 25-25 कमरे खिल पाएगा? देखिए, ये सक्सेस ओम माथुर की नहीं होती है, ये सक्सेस होती है पार्टी के वर्कर्स की। पार्टी के वर्कर्स को जितना मोबिलाइजेशन किया जाए, जितना नीचे तक बूथ स्तर तक उसका काम में लिया जाए, उसकी वजह से सक्सेस होती है। अब ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जहां गया वहां सरकार बनी है, लेकिन ये सक्सेस कुल मिला के न ओम माथुर की है न किसी की नहीं है, ये सक्सेस है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की। ये हमारे राष्ट्रीय नेता और अखिल भारतीय कहना चाहिए कि वरिष्ठतम कार्यकर्ता जिसको मैं कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं की सक्सेस है और इसलिए ये सक्सेस उनकी है। और मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान में भी हम 25 की 25 सीटें जीतने वाले हैं। तो सर ये 370 राम मंदिर, यही मुद्दा इस बार विकास का डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं? हमने कहा, हमने तो कोई बोला ही नहीं 370, हमने कहीं आपने पूछा इसलिए मैंने बताया हम विकास का मुद्दा बना रहे, हम नामदार और कामदार का मुद्दा बना रहे, हमने उनके 55 साल और हमारे 10 साल गिना रहे, हमने जो किया आज तक गिना रहे, और हम नहीं गिना रहे, दुनिया गिना रही है। कोई कल्पना कर सकता था कि हिंदुस्तान छोटी सी बंदूक भी बाहर से मंगाता था, आज 80 देशों को युद्ध के भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र सप्लाई कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में जब मीटिंग होती है प्रमुख देशों की, तो मोदी जी का बोस का नारा लगता है, ये तो विश्व गुरु की एक अपील करता पहली बार 2014 में। ये बहुत ही दिन मना लिए हमने, क्यों नहीं योगा दिवस, पूरा विश्व योगा दिवस मनाने लगता है, हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे, हम पुनः सोने की चिड़िया की ओर है। और मैं वादा करता हूँ कि अभी चॉइस शुरू हो रहा है, सरकार तीसरी हमारी बन रही है, तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले 5 सालों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरने वाले। मैं पाली की बात करूंगा, पाली के अब जो वर्तमान कैंडिडेट है वो कॉर्पोरेट मिनिस्टर भी रहे सर, और पाली में सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन और पेयजल की है, वो अब तक दूर नहीं हो पाई। मैं मानता हूँ और मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जो भी यहाँ से जनप्रति बनते हैं, चाहे वह विधायक बने, चाहे एमपी बने, चाहे कोई नेता बने, पहला दायित्व तो होना चाहिए कि पॉल्यूशन की समस्या को खत्म करें, क्योंकि मैं खुद उसको आंखों से देख चुका हूँ, जिस प्रकार से वहां बर्बादी का एक तांडव सा चला है पूरा वर्षों से, इसकी हल करनी चाहिए और कहाँ कमी रही है ये कमी को ढूंढना चाहिए और हमको सबको मिलकर के इसको हल करना चाहिए। तो चलिए, हमारे संवाददाता प्रहलाद सिंह ने ओम प्रकाश माथुर से बात की, भाजपा के दिग्गज और कद्दावर नेता हैं ओम प्रकाश माथुर।